सब्सक्राइब कीजिए स्टडी विद शोविक चैनल को और सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके और मेरे यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए फिर से बहुत बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी लेके आ चुका हूँ, प्राइवेट कंपनी के जॉब रिगार्डिंग नोटिफिकेशन लेके आ चुका हूँ। थंबनेल में ऑलरेडी आप लोगों को पता चल चुका है, टेक महिंद्रा कंपनी की ओर से बहुत सारे जो है फ्रेशली अपडेटेड जॉब नोटिफिकेशन अपडेट कर दिया गया है देयर ऑफिशियल वेबसाइट में। उसके बारे में पूरा डिटेल में बताएंगे इस वीडियो के थ्रू। इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को बताऊंगा सिलेक्शन प्रोसेस, ऑनलाइन एप्लीकेशन, हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन, हाउ टू अप्लाई फ्रेशर कैंडिडेट ऑनलाइन। तो यहाँ पे आप लोगों को इसी के साथ साथ आप लोगों को इंटरव्यू प्रोसेस, सैलरी आपको कितना दिया जाएगा, यहाँ पे आप लोग किस तरह से जो है आप लोग एप्लीकेशन करके जॉब पा सकते हो, आपका जो रिज्यूम है आप किस तरह से अपलोड कर सकते हो टेक महिंद्रा कंपनी के अंदर, सब कुछ डिटेल में बताऊँगा। टेक महिंद्रा एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे जो है ब्रांचेस एंड बहुत सारे जो है फैक्ट्री अवेलेबल है। इन सारे फैक्ट्री एंड जो है ब्रांचेस में अगर आप काम करना चाहते हो तो किस तरह से करना है, पहले तो आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आप फ्रेशली ग्रेजुएशन कंप्लीटेड स्टूडेंट हो, इसके अलावा आईटीआई कैंडिडेट अगर पास आउट हो, तो आप लोग भी यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। टेक महिंद्रा कंपनी के अंदर बहुत सारे ऐसी प्रोग्राम भी जो है चलता है जहाँ पे आप लोग यहाँ पे भी एप्लीकेशन करके भाग ले सकते हो, एंड उसके बाद वहाँ पे भी आप लोग जो प्रोग्राम को जो है करके वहाँ पे भी आप लोग जॉब कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोगों को पूरा डिटेल्स में बताएंगे। टेक महिंद्रा कंपनी के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें आप लोगों को लेके जाऊंगा, एंड देन आप लोगों को वहाँ से बताऊंगा किस तरह से आप लोग वहाँ से एप्लीकेशन कर सकते हो। तो एप्लीकेशन करने के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, जो कि टेक महिंद्रा की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसी वेबसाइट से आप लोगों को जो है एप्लीकेशन करना है। तो चलिए टेक महिंद्रा के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें मैं आप लोगों को लेके जाता हूँ, एंड उसमें आप लोगों को पूरा जो है डिटेल में बताऊँगा कि आप लोग वहाँ पर किस तरह से एप्लीकेशन कर सकते हो, एंड आप लोगों को क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है आप लोगों को मिलेगा। तो चलिए मैं आप लोगों को टेक महिंद्रा के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें लेके जाता हूँ, एंड देन आप लोगों को वहाँ से सारे जानकारी और भी जो है प्रोवाइड करता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, टेक महिंद्रा कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट में जाने के लिए आपको गूगल में सर्च करना पड़ेगा टेक महिंद्रा कैरियर। तो इसको जो है मैं यहाँ पे लिख के सर्च कर लेता हूँ, एंड देन आप लोग जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप लोगों को उसमें लेके जाऊँगा। इसके अलावा आप लोगों को बताऊँगा, अगर आप चाहते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका ऑफिशियल लिंक आपको मिल जाएगा, जिसमें आप लोग जो है एप्लीकेशन कर सकते हो वहाँ से। तो यहाँ पर आप लोग, जैसे कि आप लोग जान सकते हो, टेक महिंद्रा एक बहुत बड़ी कंपनी है ऑल ओवर वर्ल्ड में, डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्री में इसका जो है वैकेंसीज निकला होता है, वहाँ पे इसका जॉब वैकेंसी आता है। तो उसके बारे में पूरा डिटेल्स बताएंगे। टेक महिंद्रा जैसी एक बड़ी कंपनी में अगर आप काम करना चाहते हो, यहाँ पे आप लोग किस तरह से कर सकते हो। इस टेक महिंद्रा कंपनी के अंदर बहुत सारे जो है वैकेंसीज निकला हुआ है इस बार के अंदर, जहाँ पे आप लोग आवेदन कर सकते हो। तो पहले आप लोग बताऊँगा यहाँ पे किस तरह की वैकेंसीज निकला हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर जिस वैकेंसी यहाँ पर निकला हुआ है, जैसे कि देख सकते हो, आईटी सेक्टर में जॉब वैकेंसीज निकला हुआ है, टेक लीडर के वैकेंसीज निकला हुआ है, इसके साथ साथ एसोसिएट सिक्योरिटी कंसल्टेंट के पोजीशन निकला हुआ है, इंश्योरेंस सीनियर सॉफ्ट इंजीनियर के पोस्ट यहाँ पे निकला हुआ है। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तो यहाँ पे आप लोग इसमें भी देख सकते हो, यहाँ पे आपको बहुत सारे कंट्री के नेम भी जो है दिया जाएगा, एंड सिटीज़ के भी नाम दिया जाए, जैसे कि इंडिया में यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, इस तरह की जो है बड़ी सिटी है जहाँ पर जॉब लोकेशन निकला हुआ है। इसके अलावा आप लोग अगर चाहते हो अदर्स कंट्री, जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सिडनी, सैन फ्रांसिस्को, एंड इसी के साथ साथ और भी बहुत सारे जो है बड़ी बड़ी जो है कंट्री के सिटीज़ है जिसमें भी यहाँ पे जॉब वैकेंसीज निकला हुआ है। तो एप्लीकेशन करने के लिए आपको थोड़ा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए। अगर आप क्वालिफाइड है आईटीआई डिप्लोमा, बीई, बीटेक, ग्रेजुएशन पास, तो आप लोग यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हो। चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, दोनों ही कैंडिडेट सेम तरीके से एलिजिबल होंगे इन सारे पोस्ट के लिए, एंड मिनिमम जो एज लिमिट यहाँ पे रखा हुआ है 18 से
27 ईयर्स तक। तो चलिए कोई एक पोस्ट के एप्लीकेशन देख आप लोगों को दिखा देता हूँ किस तरह से आप लोग ऑनलाइन में एप्लीकेशन कर सकते हो। एप्लीकेशन करने के लिए आपको यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगेगा। अगर आप इंडिया के लिए एप्लीकेशन करना चाहते हो, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा पोजीशन यहाँ पे निकला हुआ है। तो जैसे कि देख सकते हैं, इंश्योरेंस के लिए अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हो, जो कि हैदराबाद के अंदर यहाँ पे जॉब वैकेंसीज निकला हुआ है, इनके लिए अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हो तो उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। देन आप लोग वहाँ पे जितनी भी डिटेल्स दिया गया है उसका जॉब अपॉर्चुनिटी के, आपको यहाँ पर उसके सारे डिटेल्स जो है मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रिसेंटली ये जो जॉब है यहाँ पर पोस्ट हुआ है 13 जनवरी 2021 में यहाँ पर जॉब वैकेंसीज निकला हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग जैसे कि देख हो, इसके लिए आप लोगों को 2021 के पहले आपको यहाँ पे एप्लीकेशन भेज देना पड़ेगा। तो इसके लिए अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हो तो यहाँ पे कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको दिया जाता है, अगर आप चाहते हो वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हो जिस पोस्ट के लिए आप लोग एप्लीकेशन कर। तो यहाँ पे आप और आप लोगों को सैलरी की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को 2 लाख तक आपको पर एनुअल सैलरी आपको दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे फॉर्म भी आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, इस फॉर्म को आपको फिलअप करना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते किस तरह से फॉर्म फिलअप करना है। तो आपको यहाँ पे पहले तो आपको आपको नाम यहाँ पे फुल नेम लिखना होगा, ईमेल एड्रेस देना होगा, आपका फ्रेंड के नाम देना होगा एंड फ्रेंड की ईमेल आईडी देना पड़ेगा एंड उसके बाद आपको सबमिट करना। इसके अलावा आप लोगों को बताऊँगा जो CV है आपको यहाँ पर आपको CV अटैच करना होगा, जिसके लिए आपको तो पहले यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या करना होगा आप लोगों को फिर से दिखाऊंगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए भी यहाँ पे एक फॉर्म दिया जाता है, जिस फॉर्म को आपको यहाँ से फिलअप करना पड़ेगा। बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट एप्लीकेशन करते उनके लिए आप लोगों को पहले तो आपको आपका CV यहाँ पे अटैच करना पड़ता है। देन आप लोगों को कोई भी एक पोस्ट के लिए आप लोग वहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हो। दोस्तों आप लोग एप्लीकेशन करने के वक्त आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, जिस भी कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते हो वो कैंडिडेट यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। एप्लीकेशन के कुछ ही दिन के अंदर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पे आपको जो HR है उसमें HR के पास चला जाएगा एंड देन आप लोग जो है वहाँ पे आप लोग जो है देन आप लोग उसमें से आपको अगर सिलेक्टेड होते हैं तो देन आपको वहाँ से पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग फॉर्म जैसे कि देख सकते हो, फॉर्म के साथ साथ सारा डिटेल्स भी यहाँ पे दिया गया है। तो जो जो कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं अभी के अभी फॉर्म फिलअप करके एप्लीकेशन भेज सकते हो। बहुत सारे और भी पोस्ट यहाँ पे निकला हुआ है, इस तरह की जो मौका है फिर नहीं आएगा, तो इसलिए मैं आप लोगों को बताऊँगा जल्द से जल्द एप्लीकेशन कर दीजिएगा। बहुत सारे और भी पोस्ट आने वाला है टेक महिंद्रा जैसी एक बहुत बड़ी कंपनी के लिए। तो अगर आप चाहते हैं इनमें आप लोग एप्लीकेशन करके आपका जितनी भी जॉब अपॉर्चुनिटी है उनको फुलफिल कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, और भी कुछ जानकारी अगर चाहिए आप लोग कमेंट में बता सकते हो। फेसबुक इंस्टाग्राम के पेज की लिंक भी नीचे दिया जाता है, अगर आप चाहते हो वहाँ पे जाके भी फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा आप लोग वहाँ पर जाके कॉमेंट कर सकते हो। और ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।